अरे भाई मोदी जी, मुझे उतार दो, मुझे उतार दो, मैं गिर जाऊंगा। अरे मैं पैसे दे रहा हूँ, लटक के क्यों जाऊंगा पीछे ऑटो रिक्शा पर। तुमने ऑटो रिक्शा को बस बना रखा है, इतनी तो सवारी बस में भी नहीं होती है। एक तो मोदी जी तुमने अपने ऑटो को अंदर तो फुल कर रखा ही रखा है और बाहर सारी सवारी लटकी हुई है। भाई मुझे उतार दो, मैं गिर जाऊंगा। अरे सही बात है लालू जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं मोदी जी। ये बताओ हम पैसा दे रहे हैं तो बाहर लटक के क्यों जाएं, अंदर बैठ के सुकून से नहीं जाएंगे? अरे बाहर लटके लटके हमारे हाथ दर्द करने लगते हैं। अरे अखिलेश लालू जी तुम ही दोनों को ज्यादा इधर आ जाएं, और कोई सवारी तो बोल नहीं रही है ज्यादा। ये बताओ मैंने अपने ऑटो रिक्शा में तुम्हें जबरदस्ती बैठाना था, तुम अपने आप बैठे थे, तुम्हें जाने की जल्दी थी। अरे मेरे लिए ना सवारियों की कमी है ना तुम्हारे लिए ऑटो की कमी है, किसी दूसरे पे बैठ जाते मुझे सवारी और मिल जाती। अरे भाई तुम्हारे कहने से कुछ थोड़ी होता है, अगर मैं ओवरलोड ऑटो रिक्शा नहीं चलाऊंगा फायदा हो जाएगा मुझे? अरे भाई मोदी जी तुमने एक तो बाहर लटका रखा है, ऊपर से इतनी तेज चला रहे हो, कम से कम हल्के ही चला लो अपने ऑटो रिक्शा को, इतनी तेज स्पीड में दौड़ा रहे हो, कहीं तेज झटके में हमारा हाथ उठ ना छूट जाए, हम गिर जाएंगे ऑटो रिक्शा से। हाँ मोदी जी, योगी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, कुछ हल्के तो चला लो, चलो बाहर लटके हुए हैं हम, कोई बात नहीं। अरे मोदी जी एक बात बताओ, तुम इतनी सवारी भरती हो ऑटो रिक्शा में, कतई फुल, अंदर भी फुल और बाहर भी फुल, तुम्हारा कहीं पे चालान उलान नहीं कटता है, कोई तुम्हें रोकता नहीं है? अरे राहुल तुम जब भी बोलोगे मनहूसी बोलोगे, तुमने अभी बोला कि चालान नहीं कटता है, वो देखो चालान काटने के लिए सामने अमित शाह जी मिल गए, अब पता नहीं इनसे किस तरीके से निपटा जाएगा। अरे भाई रोको 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 मोदी जी रोको, मैंने तो दूर से ही समझ लिया था कि इतना भरा हुआ ऑटो है ये जरूर मोदी जी का होगा और तुम्हारा ही निकला। जी अमित शाह जी बोलिए, क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी? अरे सेवा करने की बात कर रहे हो मोदी जी, अरे कम से कम कुछ तो शर्म कर लिया करो, ये ऑटो है कोई ट्रक वरक थोड़ी है जिस को तुम सब्जी के बोरों की तरह भरे हुए हो, सेवा होगा कुछ नहीं होगी, आज तो तुम्हारा चालान काटूंगा ही ओवरलोड में। अमित शाह जी आज और छोड़ दीजिए, फिर उसके बाद ओवरलोड सवारी बिल्कुल भी नहीं ले जाऊंगा अपने ऑटो रिक्शा में। अरे अमित शाह जी जल्दी छोड़ दो, क्योंकि मेरे ऑटो रिक्शा के पीछे जो मनमोहन सिंह जी और राजनाथ सिंह जी लटके हुए हैं, इन्हें जल्दी ऑफिस पहुंचना है, आज के बाद ओवरलोड बिल्कुल नहीं ले जाऊंगा। भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे मम्मी जी बढ़िया तरीके से चटपटी तरीके से भिंडी बना दो, इसीलिए मैं बाजार से आज भिंडी भिंडी लाया हूँ, भिंडी खाने का बहुत मन है तुम्हारे हाथ की, तुम्हारे हाथ की भिंडी खाओ तो मजा आ जाता है। तू भी बेटा जिस चीज पे मन रख लेता है वो करके मानता है, आज तेरा भिंडी खाने का मन था तो बाजार से भिंडी लाकर माना, चल मैं बनाती हूँ बढ़िया तरीके से भिंडी। अरे मोदी जी आ गए, मोदी जी आ रहे हैं। अरे मम्मी जी ये मोदी जी आ रहे हैं, इनके सामने भिंडी को छुपा दे। उस दिन कड़ी चावल तुम बना रही थी तो ये मौके पर आ गए थे, तो 5 प्लेट कड़ी चावल खाए थे इन्होंने, और आज भिंडी बन रही है, अगर ये भिंडी बनाते टाइम यहाँ पर टिक गए तो 6-7 प्लेट भिंडी खाएंगे। भिंडी को छुपा दो मम्मी जी, जल्दी छुपा दो। अरे बेटा इतनी जल्दी कैसे छुपा दूंगी, कढ़ाई चूल्हे पे रखी है, मैं भिंडी काट रही हूँ, ये देखो आ चुके यहाँ पर आ गए थे खोपड़े पे। अरे सोनिया जी क्या बना रही हो, बड़ा अच्छी खुशबू आ रही है तुम्हारी कढ़ाई में से। अरे ये तो भिंडी काट रही हो तुम, भिंडी बनाओगी क्या आज? हाँ बनाऊंगी तो भिंडी मोदी जी। और बताओ क्या हाल है, कैसे आए? अरे भाई अब घर भी नहीं आ सकते, राहुल और तुमसे मिलने के लिए चले आए, बहुत टाइम से तुम दोनों लोग दिखे भी नहीं थे, इसीलिए मैंने सोचा मिलके चला आता हूँ। अरे ये भिंडी की फरमाइश राहुल की होगी, खाट पे बैठा बैठा सामने बनवा रहा है, मुझे मालूम है इसे आपके हाथ की भिंडी बहुत पसंद है। अरे मोदी जी पंचायत में नहीं गए, गाँव में पंचायत लगी हुई है, वही अखिलेश में और लालू जी में थोड़ी सी नोक झोंक हो गई थी, उसी की पंचायत चल रही है, पूरा गाँव वहीं पे है, वहाँ नहीं गए। अरे राहुल बेटा वहीं से आ रहा हूँ, पंचायत तो निपट गई, दोनों में समझौता हो गया, पंचायत निपट गई। अरे मोदी जी पीछे वाले तालाब में जेसीपी से खुदाई चल रही है, पूरा गांव देखने के लिए जा रहा है, चलो वहीं चलते हैं। अरे राहुल वो तो मैं सुबह सुबह देख आया जेसीपी की खुदाई। अरे मोदी जी अभी केजरीवाल जी एक बात और बता रहे थे, गाँव में एक मदारी आया भालू लेकर, चलो भालू का नाच देखते हैं चल के। अरे राहुल मैं भालू का नाच अपनी जिंदगी में हजारों बार देख चुका हूँ, मुझे तो कुछ नहीं, जब आपके घर आ गया हूँ तो 2-4 प्लेट भिंडी खाना है। सोनिया जी जल्दी भिंडी तैयार करो, अब तो भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।